So guys, I just completed my study and now it's 4:45 and I am having my pre-workout. आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरी ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइज, आज है 21 डे चैलेंज का डे 8। मैंने आज का मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, बस ब्रेकफास्ट करना एंड बनाना बाकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरी ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू किचन एंड मेक दी ब्रेड ऑमलेट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं, जिसमें है ओनियन, टोमेटो, एक छोटी सी मिर्ची एंड उसके साथ एक कड़ी पत्ता। तो सबसे पहले एक बाउल में हम लोग कुछ अंडे फोड़ लेंगे। मैं यहाँ पे 4 अंडे फोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं 2 ऑमलेट बना रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो भी कट किए हुए वेजिटेबल्स थे उसे हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अभी हम लोग इसमें डाल रहे हैं चिल्ली पाउडर एज पर योर टेस्ट, आपको कितना तीखा चाहिए एंड ऑल। बाद में हम लोग डालेंगे हल्दी, फिर बाद में मेरा फेवरेट वाला मसाला मैगी मसाला। एंड उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको हम प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। एंड गैस को स्टार्ट करते हुए उस पर एक पैन रखेंगे। एंड मैं यहाँ पे 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ होममेड घी ले रहा हूँ। एंड मैं इसे पैन के चारों तरफ फैला रहा हूँ। इसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे जो भी हमने पेस्ट बनाई थी ऑमलेट के लिए। इसके बाद है मेन टास्क, जिसके लिए हमें चाहिए 2 ब्रेड, जिसे हम कुछ इस तरह डीप करके ऑमलेट पे रखेंगे एंड कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देंगे। अभी ये पूरा नीचे से प्रॉपरली हो चुका है, सो हम इसे अभी पलटेंगे। बस ये 2 चीज़ आपको प्रॉपरली करनी है ऑमलेट के टाइम। एंड फिर बाद में कुछ इस तरह से इसको कट करते हुए
हम लोग एक सैंडविच की तरह इसे शेप देंगे। एंड यहाँ पे हमारा ब्रेड ऑमलेट रेडी है। सो गाइस, हमारा ब्रेड ऑमलेट रेडी हो चुका है, चलो खाते हैं। सो गाइज, आई जस्ट कम्प्लीटेड माई स्टडी एंड नाउ इट्स 4:45 एंड आई एम हैविंग माई प्री वर्कआउट जो कि है ब्लैक कॉफी। 5 hours later एंड आज मैं ट्रेन कर रहा हूँ लेक।